देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 इंडियन इकोनॉमी का बताया था, और हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हमारी इकोनॉमी के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर के क्या हालात। सबको पता लग गया था कि हमारे देश के एग्रीकल्चर में किसी भी तरीके के ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोई भी डेवलपमेंट नहीं किया, जिसकी वजह से हमारी कंट्री की जीडीपी रेट स्पेशली फॉर प्राइमरी सेक्टर हमेशा से ही लो रही है। बेटा, आज हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं वो इंडस्ट्रीज के बारे में करने वाले। आप सभी बच्चों को मालूम है, इंडस्ट्री हमारे देश में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी देने के लिए। सभी बच्चे जानते हैं, कंट्री में जितना ज्यादा इंडस्ट्री एक्सपेंशन होगा उतना ही लोगों को जॉब ज्यादा मिलेगी। बट प्रॉब्लम क्या था, ब्रिटेन ने हमारी इकोनॉमी में इंडस्ट्री का एक्सपेंशन कभी किया ही नहीं, या फिर मैं यूं कहूं, ब्रिटेन ने हमेशा अपनी इंडस्ट्री को एक्सपेंड करने के लिए हमारी इंडस्ट्रीज या हमारी कंट्री के रिसोर्सेज को केवल यूज करा, जिसकी वजह से हमारी कंट्री में कभी कैपिटल गुड्स की इंडस्ट्री सेटअप ही नहीं हो पाई। ना तो फंड्स थे ना रिसोर्स थे, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी की इंडस्ट्री लेवल बहुत ही ज्यादा पुअर था। आपको बताना चाहूंगा, हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट से पहले बहुत ज्यादा फेमस था किस चीज के लिए बेटा, हैंडीक्राफ्ट के लिए। बट हमारे देश में ब्रिटेन ने इतनी बेकार पॉलिसी को ऑप्ट करा कि हमारे देश में जो एग्रीकल्चर था वो भी बर्बाद था, और हाथ से बना हुआ सामान हैंडीक्राफ्ट वो भी डैमेज हो गया। तो डिक्लाइन इन हैंडीक्राफ्ट का रीजन क्या है, किस वजह से हमारी कंट्री में हैंडीक्राफ्ट डिक्लाइन हुआ, उसका सबसे पहला रीजन आप दे सकते हो कि भाई हमारे देश में क्या था, डिस्क्रिमिनेशन टैरिफ पॉलिसी। क्या होता है डिस्क्रिमिनेशन टैरिफ पॉलिसी, किसी को पता है क्या? हाँ जी सर, डिस्क्रिमिनेशन टैरिफ पॉलिसी मतलब, हाँ, उन्होंने बड़ा सिंपल सा काम करा कि ब्रिटेन से कोई भी माल आएगा, कोई भी जाएगा, उसको बेटा उन्होंने क्या कर दिया, टैक्स फ्री कर दिया। और अगर इंडियन प्रोडक्ट अगर विदेश में जा रहा है तो उसके ऊपर हैवी टैक्स इम्पोज कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि हमारी इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाने के लिए उन्होंने स्टेप लिया, और इसके नुकसान ये हुआ कि जब टैक्स फ्री आर्टिकल कोई हो जाएगा, टैक्स फ्री कोई कॉमोडिटी हो जाएगा, तो उसका मार्केट में प्राइस जो होगा वो क्या होगा बच्चों, कम होगा। और अगर किसी पर टैक्स इम्पोज हो जाएगा तो उसका प्राइस क्या हो जाएगा बेटा, ज्यादा हो जाएगा। इसकी वजह से महंगे गुड्स को मार्केट में डिमांड कम की जाने लगी, और यही वजह है कि ब्रिटेन प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई और इंडियन प्रोडक्ट्स की डिमांड क्या हो गई बेटा, कम। तो मैंने पहला पॉइंट आपको बताया, डिस्क्रिमिनेशन क्या बेटा, टैरिफ पॉलिसी। गवर्नमेंट ने और ज्यादा भी इम्पैक्ट करा। आपको मालूम होना चाहिए हमारे देश में पहले बेटा बहुत सारे प्रिंसली काउंटर्स थे, नवाब, राजा, मुगल वगैरह थे, जो हाथ से उबने हुए सामान की डिमांड क्या करते थे बेटा, ज्यादा। जैसे हमारा देश रियासतों से खत्म हो गया और अंग्रेजों ने हमारे ऊपर पूरा कंट्रोल कर लिया, तो ये राजा नवाब के सारे शौक खत्म कर दिए। इन शौक की वजह से हमारे देश में जो फेमस था क्या बेटा, वो भी डिक्लाइन होने लगा। तीसरा रीजन है बेटा, जिसकी वजह से हैंडीक्राफ्ट खराब हुआ, दैट इज कॉम्पिटिशन विद मशीन मेड प्रोडक्ट। आपको मालूम होना चाहिए जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट है उसको बनाने में जो एक्सपेंस आते हैं, जो कॉस्ट उनकी निकल कर आती है, वो क्या आती है बेटा, ज्यादा। और उसकी जो अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट होता है वो भी क्या होता है, कम होता है। बट जो मशीन मेड प्रोडक्ट होता है वो एक्सपेंसिव नहीं होते, सस्ते होते हैं इन कंपेरिजन टू हैंडीक्राफ्ट, और उनकी अवेलेबिलिटी भी क्या होती है बेटा, ज्यादा, जिसकी वजह से इसने मार्केट को ज्यादा कैप्चर कर लिया, और धीरे 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 हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री पूरे तरीके से क्या हो गई बेटा, खत्म हो गया। तीन पॉइंट अभी तक डिस्कस करें, पहला था डिस्क्रिमिनेशन टैरिफ पॉलिसी, दूसरा पॉइंट मैंने बताया प्रिंसली काउंटर डिसअपियर हो गए, तीसरा मैंने बताया मशीन मेड कंपटीशन वो नहीं झेल पाए, फोर्थ पॉइंट मैं कह सकता हूं कि हैंडीक्राफ्ट को बर्बाद करने के पीछे एक और रीजन था, दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे। आपको मालूम होगा ब्रिटेन गवर्नमेंट ने ही हमारे देश में रेलवे को बनाया, और रेलवे को बनाने के पीछे उनका मोटिव क्या था कि भाई साहब हम अपने पूरे इंडिया के अंदर ज्यादा से ज्यादा सामान को भेज सके। बेटा इन शॉर्ट में ये कह सकता हूं कि हमारे देश की गवर्नमेंट ने, मतलब इंडिया के अंदर रेलवे का कोई भी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन नहीं था। वो चाहते थे कि गांव-गांव तक उनका ब्रिटेन वाला प्रोडक्ट जो है वो बिक जाए और वो मार्केट साइज बढ़ा सके, इस वजह से इन्होंने ट्रांसपोर्ट को सेटअप करा था। और इस सेटअप की वजह से हाथ से बना हुआ सामान गांव-गांव से धीरे धीरे क्या होने लगा बेटा, खत्म होने लगा। तो इन शॉर्ट में ये कह सकता हूं ये सारे वो रिलेवेंट फैक्ट हैं जिसने हमारी कंट्री की इंडस्ट्री को भी रिड्यूस करा, प्लस हैंडीक्राफ्ट को पूरे तरीके से बर्बाद किया। तो ऊपर हेडिंग डालिएगा, लिखें, अभी जस्ट टॉपिक स्टार्ट ही करा है मैंने, मेंशन कीजिएगा बेटा इंडस्ट्रियल सेक्टर। बेटा वो कहीं मिलेगा कहीं नहीं मिलेगा, वो आपको ढूंढना बहुत टफ हो जाएगा। हाँ, वो उसमें एनसीईआरटी में बहुत डिफिकल्ट आपके लिए, ऊपर हेडिंग आपके लिए, सभी के लिए, बिकॉज उसमें कोई ऐसा पॉइंट वाइज कुछ नहीं है। लिखिए इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर लिखना। इंडिया वॉज पर्टिकुलरली वेन नोन
इंडिया वॉज पर्टिकुलरली वेल नोन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, वेल नोन फॉर हिज हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, वेल नोन फॉर हिज हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, लाइक एग्रीकल्चर इंडिया कुड नॉट डेवलप, लाइक एग्रीकल्चर इंडिया कुड नॉट डेवलप अ साउंड इंडस्ट्रियल बेस, इंडिया कुड नॉट डेवलप अ साउंड इंडस्ट्रियल बेस अंडर द ब्रिटिश रूल, इंडिया कुड नॉट डेवलप अ साउंड इंडस्ट्रियल बेस अंडर द ब्रिटिश रूल. हेडिंग डालना और लिखना डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री. हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के बेकार या बर्बाद होने के क्या वजह थी, क्या कारण था कि हैंडीक्राफ्ट पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हुआ. डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री लिखना. इसके पीछे पहला रीजन है गवर्नमेंट ने बेटा क्या अडॉप्ट कर लिया था, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी. और उससे लिखो पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉय इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री एंड नो मॉडर्न इंडस्ट्रियल बेस वॉज अलाउड टू कम अप. नो मॉडर्न इंडस्ट्रियल बेस वॉज अलाउड टू कम अप, जिसकी वजह से ब्रिटेन ने बेटा डिस्क्रिमिनेशन से पहले एक पॉलिसी अपनाई थी, दैट इज कॉल्ड डी इंडस्ट्रियलाइजेशन. किसी बच्चे को मालूम है क्या डी इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है बेटा? डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब है अंग्रेजों ने सोचा कि इंडियन इकोनॉमी को बर्बाद करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि यहाँ के कच्चे माल को क्या करो, ले लो रॉ मटेरियल को परचेस करो और ब्रिटेन में फाइनल करो और इंडिया में आके दोबारा से बेचना स्टार्ट करो. इसकी वजह से ही हमारी कंट्री में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन आया. लिखें बेटा इसी के अंदर लिखना, बिल्कुल करता हूं. ब्रिटिश गवर्नमेंट सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉय इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री एंड नो मॉडर्न इंडस्ट्रियल बेस वॉज अलाउड टू कम अप. नो मॉडर्न इंडस्ट्रियल बेस वॉज अलाउड टू कम अप. लिखना बेटा, नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा. द प्राइमरी मोटिव ऑफ ब्रिटिश रूल बिहाइंड द डी इंडस्ट्रियलाइजेशन. डी इंडस्ट्रियलाइजेशन करने का उनके पीछे उद्देश्य क्या था? दो मेन फैक्ट थे बेटा डी इंडस्ट्रियलाइजेशन में. दो मेन पॉइंट्स बताओगे जिसकी वजह से हमारे देश में नई इंडस्ट्री सेटअप नहीं हो पाई और हैंडीक्राफ्ट बर्बाद हुआ. पहला लिखना टू गेट रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया एट चीप रेट. हिंदुस्तान से सस्ती कीमतों पर रॉ मटेरियल मिलना था. टू गेट रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया एट चीप रेट टू बी यूज्ड बाय अपकमिंग मॉडर्न इंडस्ट्रीज. सेकेंड बेटा दूसरा रीजन, पहला पता लगा लिया कच्चा माल मिल जाए ब्रिटेन इंडस्ट्री के लिए. दूसरा बेटा टू सेल फिनिश्ड प्रोडक्ट इन इंडियन मार्केट एट हायर प्राइजेस. मतलब अंग्रेजों ने हमारी इकोनॉमी को बर्बाद करने का बढ़िया आसान सा डी इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी अपनाई, जिसमें यहां से कच्चा माल लेंगे और देश में महंगी कीमतों पर बेच देंगे. और यही कारण है कि हमारे देश में हैंडीक्राफ्ट बर्बाद होने लगा. राइट, इसी के नीचे सेकेंड पॉइंट डाल के लिखना. अब मैं एक्सप्लेन नहीं कराऊंगा, आपको सारे पॉइंट क्लियर हो चुके होंगे. सेकेंड पॉइंट लिखना डिस्क्रिमिनेशन टैरिफ पॉलिसी.
सेकंड पॉइंट, ये फर्स्ट था डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हैंडीक्राफ्ट का। दूसरा पॉइंट लिख सकते हो, क्या बोला बेटा, डिस्क्रिमिनेशन टैरिफ पॉलिसी। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन टैरिफ पॉलिसी समझ गए कि ब्रिटेन प्रोडक्ट टैक्स फ्री कर दिया और इंडियन प्रोडक्ट के ऊपर क्या इंपोज कर दिया, टैक्सेस, जिसके कारण हैंडीक्राफ्ट की मार्केट में डिमांड क्या हो गई बेटा, कम। ये शॉर्ट में खुद लिख लो, डिस्क्रिमिनेशन टैरिफ पॉलिसी में लिखना कि ब्रिटिश प्रोडक्ट जो भी थे, शॉर्ट में फ्लो चार्ट की फॉर्म में, ब्रिटिश प्रोडक्ट के ऊपर बेटा टैक्स फ्री कर दिया गया और इंडियन प्रोडक्ट्स के ऊपर टैक्स इंपोज कर दिया गया। ठीक है, हाँ, ब्रिटिश प्रोडक्ट टैक्स फ्री था, इंडियन प्रोडक्ट्स के ऊपर टैक्स इंपोज था, जिसकी वजह से वो खराब हुआ। पॉइंट नंबर थर्ड लिखिएगा, डिसअपीयरिंग ऑफ प्रिंसली काउंटर्स। बेटा जितना भी हमारी कंट्री में राजा नवाब मुगल वगैरह थे, वो सब चले गए और अंग्रेजों ने सबकी रियासतें खत्म कर दी, हमारे डिसअपियर कर दिए बेटा जितने भी प्रिंस काउंटर्स थे, प्रिंसली काउंटर्स थे, जिसकी वजह से इकोनॉमी को नुकसान हुआ। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे। थर्ड पॉइंट बेटा था डिसअपियरिंग ऑफ प्रिंसली काउंटर्स। नेक्स्ट पॉइंट था बेटा इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे। मैंने समझा दिया कि रेलवे के आने से क्या हुआ, शॉर्ट में फ्लो चार्ट बनाओ बेटा ताकि आपको याद रहे। रेलवे के आने से जो ब्रिटिश प्रोडक्ट है, वो बेटा ब्रिटिश प्रोडक्ट कहां तक चले गए, छोटे छोटे टाउन या फिर सिटीज या फिर विलेज तक, रिमोट एरियाज में, जिसकी वजह से इंडियन जो प्रोडक्ट था, इंडियन प्रोडक्ट या हैंडीक्राफ्ट की मार्केट में डिमांड क्या हो गई बेटा, कम हो गई, क्योंकि वो लो प्राइस पर मिल रहा था। राइट बेटा, इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे। पांचवा पॉइंट है, कंक्लूड ये करा कि रेलवे के आने से हमारे हैंडीक्राफ्ट को बेटा एक्सपेंड करने का मौका नहीं मिला ना। अब गांव गांव तक अगर ब्रिटेन का प्रोडक्ट पहुंच जाएगा जो सस्ता है, तो हाथ से बने हुए सामान को कोई खरीदेगा, ज्यादा चलता है, ऐसा मतलब नहीं है। ऑप्शन, वैरायटी, कीमत, कस्टमर सब देखता है। लोगों के पास पहले से पैसा नहीं है, ब्रिटेन प्रोडक्ट सस्ते सामान दे रहा है तो लोग उसी को खरीदेंगे ना। ये रीजन था कि रेलवे ने हमारे हैंडीक्राफ्ट को और नुकसान पहुंचाया। लिखे नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट नंबर पांचवा, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है बेटा, लोगों का टेस्ट ही बदल गया। चेंज इन टेस्ट प्रेफरेंस एंड डिमांड। टेस्ट प्रेफरेंस एंड क्या बेटा, डिमांड। अब हमारे इंडियन कस्टमर जो थे, वो इंडियन कस्टमर वेस्टर्न गुड्स को ज्यादा प्रेफर करने लगे। इंडियन कस्टमर जो थे, वो ब्रिटिश प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड ज्यादा करने लगे, जिसकी वजह से हैंडीक्राफ्ट की मार्केट में डिमांड, डोमेस्टिक डिमांड कम हो गई। ये वो पांच रीजन है जिसकी वजह से हमारे देश में हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय हुआ, या उसका जो फेस था वो डाउनफॉल में गया। आइए बेटा, कुछ चीजें बुक में नहीं होंगी, यूज कुछ नहीं करना, जो मैं नोट्स दूंगा वो भी मैक्सिमम करना और कुछ मत पढ़ना, क्योंकि काफी बुक्स में कुछ दिया हुआ है, लिमिटेड शॉर्ट कुछ नहीं दिया है। मैं पूरा टॉपिक कवर करके आपको दूंगा, क्योंकि हर एक ऑथर ने अपने अपने तरीके से ओपिनियन दिए हुए हैं। मैं नहीं चाहता कि आपका कोई भी पार्ट छूटे, इसलिए मैं सारे पॉइंट्स को कवर करा रहा हूं। बेटा ये हेडिंग क्या था, सुन ले भाई दोबारा से। सबसे पहले मैंने इंडस्ट्री के बारे में बताया था, उसके बाद बताया था डिक्लाइन इन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, और उसमें मैंने आपको कितने पॉइंट्स बताए, अभी पांच पॉइंट बता दिए। अब मैं आता हूं अपनी तीसरी कंडीशन बेटा। अभी तक देखो टॉपिक एक सीक्वेंस में चल रहा है, पहले मैंने एग्रीकल्चर बताया, दूसरा इंडस्ट्री बताया, अब तीसरा हमारा है फॉरेन ट्रेड। हाँ जी, तो उनके जो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स थे, जैसे भाई एक बात मेरे को बता, पहले लोग क्या पहनते थे कपड़ों में, कुर्ता पजामा, खादी, धोती वगैरह पहनते थे, तो उसकी जगह टी शर्ट, शर्ट, पैंट, कोट ने रिप्लेस कर दिया, तो उनकी प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड क्या हो गई, ज्यादा हो गया। जो भी प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट था वो सस्ती कीमतों पे दे रहे थे, इसलिए कस्टमर भाग गया। क्या बेटा, वो सेटअप है बेटा इंडस्ट्री का, उस पर आऊंगा अभी, उसको छोड़, इसको तो हमारी मॉडर्न इंडस्ट्री का फैक्ट है वो। हाँ बेटा, वो अलाउ नहीं करेगी ना गवर्नमेंट, ब्रिटिश कभी, वो तो रोक देंगे ना, और उनके पास पैसा भी नहीं था भाई, हैंडीक्राफ्ट के लिए बनाने के लिए ज्यादा पैसा चाहिए, और ब्रिटेन के पास ज्यादा पैसा था। एक देश का छोटा सा, एक बात बताओ, इस लड़की ने एक अच्छा पॉइंट बोला कि सर आपने अभी एक पॉइंट बताया कि इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे ने
गांव गांव तक ब्रिटेन का प्रोडक्ट लेकर चला गया, तो क्यों वो पूरे देश के अंदर हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट लेकर नहीं जा पाया? भाई सिंपल सी बात है, हैंडीक्राफ्ट को बनाने वाला जो बंदा होता है वो बहुत छोटे लेवल पे काम कर रहा होता है, और उसके पास हमेशा किसकी कमी होती है बेटा? फंड्स की। और जो ब्रिटेन प्रोडक्ट होता है वो तो बेटा इंडस्ट्री मतलब ब्रिटेन से बनकर आ रहा है, तो उनकी जो क्वांटिटी है वो बहुत ज्यादा है, वो अपनी क्वांटिटी की खपत करने के लिए उसको ट्रांसपोर्टेशन को यूज कर रहे थे। ये चाहकर भी इसका इस्तेमाल कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि इनकी प्रोडक्टिविटी क्या होगी? कम होगी। ये 2 यूनिट 4 यूनिट 50 यूनिट बनाएंगे और ये 5 लाख यूनिट बनाएंगे तो इनकी सेल तो डोमेस्टिक कंजम्पशन कम हो जाएगा। रेलवे का मैक्सिमम बेनिफिट किसको मिला बेटा? ब्रिटेन को मिला, इनको तो मिला ही नहीं, ये तो केवल आने जाने के लिए इस्तेमाल में रह गए केवल, राइट। आइए सर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमारा टॉपिक है टॉपिक नंबर 3। बुक्स देखकर अगर कंफ्यूज हो गया इसलिए मैं कह रहा हूँ सीक्वेंस में चलने दो, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आप सारी चीजें देखें बेटा। टॉपिक नंबर 3 है फॉरेन ट्रेड। बच्चों फॉरेन ट्रेड जो था वो हमारी कंट्री का और भी ज्यादा बेकार था, पता होना चाहिए। हमारी कंट्री में बेटा, हमारी जो कंट्री है वो बेटा नेट एक्सपोर्टर ऑफ किस चीज का बन के रह गई थी? रॉ मटेरियल एंड नेट इंपोर्टर ऑफ क्या बच्चों? फिनिश गुड। मतलब बेटा हमारे देश को ऐसा बना दिया ब्रिटेन ने कि यहां से केवल लार्ज क्वांटिटी में वो बंदे हमसे क्या लेके जाते थे? रॉ मटेरियल, और हम बेचारे मजबूरी में हम उनसे बेटा फिनिश गुड खरीदते थे क्योंकि हम उनके दबाव में रहते थे, हमारी इकोनॉमी पर उनका कंट्रोल था, जिसकी वजह से फॉरेन ट्रेड हमारा पूरा खत्म हो गया और दूसरी कंट्रीज के साथ हम ट्रेडिंग भी बहुत लिमिटेड करते थे। सेकेंड पॉइंट बेटा, ब्रिटेन ने जब तक ब्रिटेन हमारे देश में राज करा तो उसने मोनोपोली डायरेक्शन रख ली, मोनोपोली कंट्रोल था फॉरेन ट्रेड के ऊपर। 50% से ज्यादा ट्रेडिंग हम केवल किसके बीच में करते थे? ब्रिटेन और इंडिया के बीच में, और केवल कुछ परसेंट था बेटा जो कि हम ईरान, श्रीलंका या फिर बेटा अदर कंट्रीज के साथ ट्रेडिंग करते थे, नहीं तो सारा व्यापार केवल ब्रिटेन और इंडिया के बीच में होता था, वो भी कच्चे माल और तैयार माल का। इससे आप सोच सकते हो कभी हम सरप्लस में तो आए नहीं, और अगर गलती से कभी हमारी इकोनॉमी एक्सपोर्ट सरप्लस कर ले, कोई बच्चा मुझे बताएगा एक्सपोर्ट सरप्लस का मतलब क्या होता? मतलब हमारे देश ने सामान भेजा ज्यादा और आया क्या, तो इससे बेटा इकोनॉमी के पास फंड्स क्या होंगे? ज्यादा। जब हमारे इंडिया के पास बाई चांस कभी पैसा ज्यादा आ भी गया एक्सपोर्ट सरप्लस से, तो ब्रिटेन ने उसका मिसयूज करा। ब्रिटेन ने क्या सोचा कि यार ये तो इंडिया का फॉरेन ट्रेड सरप्लस में आ गया है, तो इसको हम क्या करते हैं, ब्रिटेन से एक्सपेंसिव एडमिनिस्ट्रेटिव टेक्निक खरीद ली। उन्होंने बेटा टेलीग्राम वगैरह जैसी टेक्निक खरीद ली, या फिर बेटा उन्होंने वॉर टूल्स खरीद लिए, या इन्होंने कोई अदर इंस्ट्रूमेंट्स खरीद लिए। इन सबको खरीदने के लिए बेटा पैसा चाहिए, और ये पैसा गेन दोबारा कहाँ ट्रांसफर हो गया? ब्रिटेन में। मतलब ब्रिटेन ने बढ़िया यूज करा हमारा सरप्लस का पैसा भी, मिस यूज करा फॉर सेटअप द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द कंट्री, सो दैट वो इंडिया के अंदर और अच्छा कंट्रोल सेटअप कर सके। तो इन शॉर्ट मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे देश का फॉरेन ट्रेड कभी भी अच्छा नहीं था, और आज की डेट में भी बेटा बहुत सारा ऐसा आर्टिकल है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के अलावा हम सारी चीजें विदेशों से क्या करते हैं बेटा, इंपोर्ट करते हैं, चाहे वो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री की बात हो, टेक्निक की बात हो, रॉ मटेरियल की बात हो, फ्यूल की बात हो, हमारे देश में हर चीज की क्या है बेटा, शॉर्टेज है, क्योंकि हमारे देश में पॉपुलेशन साइज बहुत बड़ा है और रिसोर्स की अवेलेबिलिटी क्या है, कम है। ड्यू टू दैट रीजन कैपिटल इंडस्ट्री ना सेटअप होने की वजह से हमारा फॉरेन ट्रेड आज तक नेगेटिव डायरेक्शन में चलता है। तो आइए फॉरेन ट्रेड की बात करते हैं ऊपर। हाँ जी हाँ, कभी भी हो सकता है। एग्रीकल्चर में बहुत सारे आर्टिकल हैं जिसमें हम बेचते हैं बेटा, वीट हमारे गेहूं सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होता है पूरे वर्ल्ड में, वहां का सरप्लस आता है, बट फ्यूल हमें डुबा ले जाता है क्योंकि तेल हमारे देश में नहीं होता है, उसका पैसा आएगा भी तो हम नेगेटिव में चले जाएंगे, बिकॉज 98% के लिए तो मंगा ही रहे ना, तो नेगेटिव रहता है। इसलिए लिखें एक स्पेशल प्रोडक्ट के लिए हम सरप्लस में जा सकते हैं, बट ओवरऑल किस में रहते हैं? नेगेटिव में। लिखें ऊपर हेडिंग डालना फॉरेन ट्रेड, लिखना इंडिया हैज बीन एन इंपोर्टेंट ट्रेडिंग नेशन, इंडिया हैज बीन एन इंपोर्टेंट ट्रेडिंग नेशन एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, एट द टाइम ऑफ क्या बेटा, इंडिपेंडेंस। देखना कंडीशन ऑफ फॉरेन ट्रेड, कंडीशन क्या था फॉरेन ट्रेड का जब हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट हुआ 1947, वही की उसी टाइम की मैं पूरी स्टोरी आपको सुना रहा हूं बेटा। सबसे पहला पॉइंट लिखना, एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट, फॉरेन ट्रेड का जो कैरेक्टर था, फॉरेन ट्रेड का जो फीचर था वो क्या था बेटा, एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड, राइट।
लिखना इंडिया, इंडिया बिकम एन एक्सपोर्टर, इंडिया बिकम एन एक्सपोर्टर, इंडिया बिकम एन एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स, इंडिया बिकम एन एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स सच एज रॉ सिल्क, सच एज क्या बेटा, रॉ सिल्क, कॉटन, वूल, इंडिगो, रॉ सिल्क, कॉटन, वूल, इंडिगो, जूट, ये सब बेटा हम क्या करते थे, एक्सपोर्ट करते थे, क्योंकि ये सारा मटेरियल रॉ मेटल की फॉर्म में यूज होता था। लिखना बेटा, एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड कंजम्पशन गुड्स, एंड इंपोर्टर ऑफ, एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड कंज्यूमर गुड्स, एंड इंपोर्टर ऑफ क्या बेटा, फिनिश्ड कंज्यूमर गुड्स लाइक कॉटन, सिल्क एंड वुलन क्लोथ्स, लाइक कॉटन, सिल्क एंड वुलन क्लोथ्स, मतलब रॉ मटेरियल हम दे रहे थे और फाइनल प्रोडक्ट उनसे हम लोग परचेज कर रहे थे। बेटा वो रॉ कॉटन था ना बेटा, सब कुछ रॉ था, कच्चा माल था बेटा, और फिनिश क्लोथ जो है हम वहां से खरीद रहे थे। लिखना, एंड कैपिटल गुड्स लाइक मशीनरी, कैपिटल गुड्स लाइक मशीनरी प्रोड्यूस इन ब्रिटिश इंडस्ट्री, कैपिटल गुड्स लाइक मशीनरी प्रोड्यूस इन द ब्रिटिश इंडस्ट्री। और बेटा कई बार हम वहां से मशीनरी वगैरह भी बाय करते थे जिसका पूरा सेटअप कहां पर है, ब्रिटेन में, मतलब उनको तो हम ग्राहक की तरह मिल गए और बार बार हम उनसे कैपिटल गुड्स की मशीन भी खरीदने लगे। तो हमारी इकोनॉमी सोचो, हमारी इकोनॉमी सोचो कितना ट्रैप हुआ कि भाई साहब कच्चे माल के साथ साथ हम कंज्यूमर और कैपिटल गुड्स को बाय करने लगे, यही हमारी इकोनॉमी का सरप्लस कभी होने नहीं देता था। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, पॉइंट नंबर सेकंड दोस्तों, मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। अंग्रेजों ने हमारे पास मोनोपोली कंट्रोल कर लिया बेटा, 50% से ज्यादा उन्होंने हमारे ऊपर कंट्रोल कर लिया था। मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, लिखना, ब्रिटिश गवर्नमेंट मेंटेन अ मोनोपोली कंट्रोल ओवर इंडियाज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट more than 50%। ये क्लास नोट्स बहुत हेल्प करने वाले हैं, इसलिए आप इन्हें तमीज से बनाएं। जो प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे उनसे भी ज्यादा वैल्यूएबल ये होंगे, क्योंकि इसमें काफी चीजें क्वालिटी वाली, मतलब कई बुकों का कंटेंट आपके पास आ जाएगा। लेकिन more than 50% of India's foreign trade was restricted to Britain, while the rest was allowed with few countries like China, Sri Lanka and Iran। इन देशों के साथ भी हमारा विदेशी व्यापार होता था, वो बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में था। मैक्सिमम तो हम किसके बीच में रहते थे बेटा, ब्रिटेन और इंडिया, श्रीलंका, ईरान और चाइना। लिखना बेटा, और बेटा ब्रिटेन ने तो हमारे और भी इसको बर्बाद करने के लिए एक और स्टेप लिया था, शायद पता हो, उन्होंने बेटा उस समय क्या बना दिया था, स्वेज कैनाल। इसमें क्या हुआ था, उन्होंने एक आर्टिफिशियल ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म बनाया जिसके थ्रू उनका जो आने जाने का जो डिस्टेंस था वो भी बहुत आसानी से कवर हो गया। बेटा पहले इंडिया से ट्रेडिंग करने के लिए उन्हें बहुत घूम के जाना पड़ता था, उन्होंने एक सीधा रास्ता बना दिया जिसके थ्रू अपने शिप के थ्रू, ट्रांसपोर्ट के थ्रू आना जाना आसान कर लें। तो इसने उनका फॉरेन ट्रेड स्ट्रांग करा और हमारे रिसोर्सेज को क्या करा, एक्सप्लॉइट करा। एक छोटी सी लाइन लिखे, हाँ, इजिप्ट के वहां पे उनको जो रूट जो था वो 16,000 किलोमीटर का डिस्टेंस उन्होंने शॉर्ट कर लिया था, उससे उनके फ्यूल भी बचता था और ज्यादा कंट्रोल हमारे इंडिया के ऊपर होने लगा था। हाँ लिखे बेटा, एक छोटी सी लाइन और लिख लो, हाँ इसी के नीचे बेटा, द ओपनिंग ऑफ सुएज कैनाल
इन 1869, ये डेट याद रखना, एक एक नंबर में कई बार टीचर दे देगा, इन 1869 सर्व्ड एज अ डायरेक्ट रूट, सर्व्ड एज अ डायरेक्ट रूट फॉर द शिप्स, फॉर द शिप्स ऑपरेटिंग बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटेन। ऑपरेटिंग बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटेन। देखो ये सब वो कारण थे जिसके मोनोपोली बन गई, क्योंकि उन्होंने रास्ता भी छोटा कर दिया, और ये सब रीजन था कि इंडियन रिसोर्सेज एक्सप्लोइट होना स्टार्ट हुए। तीसरा रीजन, लास्ट रीजन बेटा लिखना, एक्सपोर्ट सरप्लस का मिसयूज होना, जिसको हम क्या लिख सकते हैं कि स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखना, लिखना बेटा ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ, ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ, ड्रेन ऑफ क्या बेटा, इंडियन वेल्थ। मैंने आपको बताया था कई बार हमारी इकोनॉमी को बेटा एक्सपोर्ट सरप्लस हो जाता था, तो उस एक्सपोर्ट सरप्लस का उन्होंने कभी भी पॉजिटिवली यूज नहीं करा। उन्होंने कभी नहीं चाहे कि हमारे देश में बेटा कैपिटल इंडस्ट्री को सेटअप कर दिया जाए, हमारे देश में बड़ी बड़ी इंडस्ट्री बना दी जाए। उन्होंने इसका मिसयूज करा फॉर बाइंग वॉर टूल्स, या फिर बेटा एडमिनिस्ट्रेटिव टेक्निक, या अदर ओल्ड पेमेंट्स की फॉर्म में। इस वजह से एक्सपोर्ट सरप्लस कभी पॉजिटिवली इस्तेमाल में नहीं आया। लिखना बेटा, लिखना, एक्सपोर्ट सरप्लस वॉज यूज, एक्सपोर्ट सरप्लस वॉज यूज टू मेक पेमेंट, एक्सपोर्ट सरप्लस वॉज यूज टू मेक पेमेंट फॉर एक्सपेंसेस इनकर्ड, फॉर एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय एन ऑफिस सेटअप, बाय एन ऑफिस सेटअप, ब्रैकेट में लिख लेना एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, ऑफिस सेटअप या फिर क्या बेटा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, लाइक टेलीग्राम, ऑफिस सेटअप या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप लाइक टेलीग्राम। इन्होंने ये एक्सपेंसिव टेक्निक बाय करा उस समय, क्योंकि देश में पैसा आने लगा था। दूसरा लिख ले सकते हो इसी में बी पॉइंट डाल के, टू मीट या फिर टू परचेज वॉर टूल्स, टू परचेज क्या बेटा वॉर टूल्स एंड अदर मशीनरी, वॉर टूल्स एंड अदर मशीनरी, वॉर टूल्स एंड अदर मशीनरी। या कई बार वो इनविजिबल सर्विसेज के लिए भी विदेशों से लोगों को बुला लेते थे। अब एक बात बताओ, जैसे ब्रिटेन का कोई अंग्रेज आया है यहाँ पर स्टे कर रहा है, यहाँ के लोगों के साथ अपना क्या कर रहा है बेटा कनेक्शन कर रहा है, उसको वो बीमार हो गया, तो उसने क्या करा, इसका इलाज कराने के लिए ब्रिटेन से ही डॉक्टर बुला लिया, तो इसके लिए बेटा उसे क्या देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। इनविजिबल सर्विसेज के लिए भी उन्होंने एक्स्ट्रा पैसा ब्रिटेन को प्रोवाइड करने का भी काम इन शॉर्ट किया। लिख लेना, कंप्लीट हो गया। चलो चलिए सर आगे बढ़ते हैं। बच्चों ध्यान देना, अभी तक की क्लास में तीन टॉपिक अब मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं चलता हूं अपने फोर्थ टॉपिक के ऊपर, ध्यान से समझिएगा, दैट इज डेमोग्राफिक प्रोफाइल। आपको इतना तो अभी तक की क्लास में समझ आ गया होगा, लास्ट क्लास से इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं, ब्रिटेन ने ना तो एग्रीकल्चर प्रमोट करा, ना ही इंडस्ट्री, और ना ही बेटा क्या फॉरेन ट्रेड, जो हमारी कंट्री के मेन लोगों की इनकम का सोर्स होता है उसे ग्रोथ नहीं करा। तो जब ये ग्रोथ ही नहीं होगा, जब हमारी इकोनॉमी में फंड्स नहीं आएंगे, तो हमारी कंट्री का डेमोग्राफिक प्रोफाइल तो बेतहा बर्बाद होगा। और अगर डेमोग्राफिक प्रोफाइल की बात करूं तो इसमें बेटा बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। जैसे आपको मालूम होना चाहिए हमारी कंट्री में बर्थ एंड डेथ रेट दोनों ही क्या थे बेटा, बहुत ज्यादा हाई था। उसका रीजन क्योंकि हमारी कंट्री में फंड्स नहीं थे, हॉस्पिटल्स नहीं थे, डॉक्टर्स नहीं थे, और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। नेक्स्ट कह सकता हूँ हमारी कंट्री की लाइफ एक्सपेक्टेशन जो एक पर्सन की थी एवरेज लाइफ, वो भी बेटा बहुत क्या हो गई, कम हो गई। हमारे देश में क्या था बेटा, पॉवर्टी लगातार बढ़ने लगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगा, इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया, डेथ रेट बहुत बड़ा। ये सारे पॉइंट छोटे छोटे, इसलिए मैं एक दो लाइन ही लिखवाऊंगा, ऊपर हेडिंग डालू, ये बुराइयां कर रहा हूं केवल देश की जो उस समय बर्बाद हो चुका था। लिखना बेटा डेमोग्राफिक प्रोफाइल, ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद नहीं पढ़ाऊंगा। हाँ, फॉरेन ट्रेड के बाद नेक्स्ट टॉपिक है बेटा डेमोग्राफिक प्रोफाइल, और अगली क्लास में चैप्टर पूरा भी हो जाएगा डेमोग्राफिक क्या बेटा प्रोफाइल। किसी को मालूम है पहला सेंसस हमारी कंट्री में कब हुआ था? 1881 में हुआ था। उसके बाद हर 10 साल के बाद होता है, और कौन सा वाला, जो किसने करा था पहला,
अबे किसी ने नहीं करा था बदतमीजो, जिसने नेशनल इनकम वगैरह निकाली थी उन्हीं का एस्टिमेट था कि ऐसा रहा होगा। और दूसरी बात, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड किसे बोलते हैं, बस ये छोटी छोटी स्टोरी लिख लो, लिखो पहले फटाफट ऊपर हेडिंग डालो। डेमोग्राफिक प्रोफाइल कुछ नहीं है, एक एक नंबर के क्वेश्चन टीचर देगा और कुछ नहीं होना है। तुम्हें कुछ नहीं पढ़ाया बेटा, यही तो मैं कह रहा हूँ। अभी काफी चीजें ऐसी आएंगी जो इंडियन इको में छूटती हैं, इसलिए हम लोग उसको स्किप नहीं करेंगे। लिखिए भाई डेमोग्राफिक प्रोफाइल या कंडीशन, लिखना लिखना लिखना। डेमोग्राफिक कंडीशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, डेमोग्राफिक कंडीशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इंडिकेट बैकवर्ड एंड स्टैग्नेशन ऑफ, इंडिकेट बैकवर्ड एंड स्टैग्नेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ऐसा क्या दिख गया जिसके कारण हम इंडियन इकोनॉमी को बैकवर्ड और स्टैग्नेंट बोल रहे हैं? उसके पीछे कुछ रिलेवेंट फैक्ट्स मैं आपके साथ रख रहा हूं। ऊपर फर्स्ट पॉइंट डालना और लिखना हाई बर्थ एंड डेथ रेट। बर्थ एंड डेथ रेट, बहुत जल्दी बच्चे, फर्स्ट पॉइंट डाल हाई बर्थ एंड डेथ रेट। बर्थ एंड डेथ रेट क्या था बेटा, ज्यादा था। लिखना बर्थ रेट डेथ रेट क्या होता है, ये तो बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये तो सामान्य ज्ञान रखते हो, बच्चे कितने 1000 पे पैदा हो रहे और कितने निपट रहे। आगे लिखो, हाँ हाँ ये तो छोटी सी कहानी है, लिखो डेटा बता देता हूँ। लिखो बोथ बर्थ एंड डेथ रेट, बोथ, हाँ ये डेटा मालूम होना चाहिए, बोथ बर्थ एंड डेथ रेट वर वेरी हाई एट नियरली, हाँ वेरी हाई एट नियरली 48 and 40 per thousand। दूसरा लिखना बेटा सेकंड पॉइंट, बर्थ एंड डेथ रेट तो बता दिया और उसके डेटा भी 48 and 40 per thousand था। सेकंड, एक्सट्रीमली लो लिटरेसी रेट। सेकंड पॉइंट, हमारे देश में साक्षरता की दर, पढ़े लिखे लोग बहुत कम थे। ज्यादा खतरनाक हो गया क्या, कुछ नहीं पता। साक्षरता मतलब एजुकेटेड, पढ़े लिखे लोग। बेटा हमारे देश में केवल कितने परसेंट लोग पढ़े लिखे थे, अब सोचो इतनी बड़ी जनसंख्या में केवल 16% आर एजुकेटेड, तो हमारे देश का जब तो बेवकूफ काटा गया, जब तो हमारे देश का क्या मूर्ख बनाया गया, और हमारे देश की पब्लिक जो थी वो कभी, यही तो हुआ बेटा, तू अनपढ़ है, तेरे कोई भी यूज कर लेगा, तेरा यूज करके करेगा क्या, समझ रहा है? तो मेरा मतलब समझ रहा है अश्मित, मान ले तू गधा है, नहीं नहीं मान ले तू क्या है बेटा, चलो छोड़ो बेटा, तो तेरा कोई मिस यूज कर लेगा। लिखो इस पॉइंट को पहले कवर कर लो, नहीं नहीं फिर वो और गलत लिखता मैं। लिखो 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 लिखो, कहाँ था बेटा मैं, हाँ लिखना था ओवरऑल लिटरेसी रेट वॉज लेस देन 16%, ओवरऑल लिटरेसी रेट वॉज लेस देन 16%, आउट ऑफ दिस फीमेल लिटरेसी लेवल लेस देन 7%, 7% से भी कम महिलाएं पढ़ी लिखी थी, बाकी आम जनता बिल्कुल अनएजुकेटेड था। और यही रीजन है कि हमारे देश का डेमोग्राफिक आज तक भी इंप्रूव नहीं है। आप देखोगे रूरल एरिया में अभी भी लेडीज जो है वो इतनी ज्यादा क्या नहीं है बेटा, पढ़ी लिखी नहीं है, उनको रिसोर्स के बारे में ज्ञान नहीं है, और गांव में एजुकेशन की कोई वेटेज नहीं है, क्योंकि वो खुद पढ़े नहीं है तो उसकी वर्थ को भी वो नहीं समझते। नेक्स्ट पॉइंट लिखना पुअर हेल्थ फैसिलिटी, तीसरा कारण बेटा पुअर हेल्थ फैसिलिटी, मतलब क्या होता है, कोई भी हेल्थ की फैसिलिटी नहीं है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और रिसोर्सेज क्या थे बेटा, बेटा इतनी ज्यादा पॉपुलेशन पे डॉक्टर्स बहुत कम है, मेडिसिन की कमी थी, हॉस्पिटल्स नहीं थे, ये सारी प्रॉब्लम थी, पुअर हेल्थ केयर फैसिलिटी, वो सब एक्सप्लेन नहीं करा रहा। नेक्स्ट लिखना लो लाइफ क्या बेटा, बेटा कितना था ईयर लिख लो केवल, कितना था उस समय 32 ईयर्स, एवरेज लाइफ जो थी उस समय 32 ईयर्स तक की मानी जाती थी, क्योंकि हमारे यहाँ डिजीज क्या होती थी, हाँ कई बुक्स में 44 दिया बट एनसीईआरटी ने कितना दिया हुआ 32, उसी की मान लो फिर, ये सब डाटा वेरी कर लो, चल ठीक है तू खुश हो जा बेटा, लिखो 44 लिख लो, दोनों लिख लो, ऊपर रेफरेंस भी लिख, देखो हम लोग इको के स्टूडेंट है, थोड़ा सा ज्ञान लगाओ, 32 लिखकर लिख देना बेटा संदीप गर्ग, 44 लिखकर लिख दोगे क्या बेटा एनसीईआरटी, और अगर दिल करे तो 50 करके अपना नाम लिख देना,
ठीक है, तो बेटा कोई समस्या नहीं है, उस समय जो समस्या थी वो तो थी, इन डेटा से ज्यादा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। क्या बोला मैंने, लाइफ जो एवरेज लाइफ थी वो हमारी कितने थी, 32 ईयर्स बेटा। और लिख सकते हो लास्ट, हाँ पॉवर्टी बहुत ज्यादा था, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हाई रेट था, क्योंकि लोगों के पास काम के नाम पर तो केवल एक ही चीज थी, क्या, एग्रीकल्चर, मनोरंजन के लिए कुछ था नहीं बेटा, बर्बाद हो गया देश, मालूम है ना भाई, भाई देश में क्या है, लोगों के पास रोजगार नहीं था, तो रोजगार नहीं होने की वजह से क्या था, बेकार हो गया सब, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आपको रिकॉल करने हैं अभी, देखो कहां तक किस पॉइंट पे कोई डाउट आ रहा है। आज हम लोगों ने 3 से 4 पॉइंट करा है बेटा, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बेटा 1921, उसमें क्या हुआ था बताता हूँ अगली क्लास में, इतने पॉइंट्स को रिकॉल करो पहले, जो आज हम लोगों ने फटाफट पढ़ा है तीनों, स्टार्टिंग से पढ़ना भाई, क्लास में बैठा हुआ हर बच्चा स्टार्टिंग से पढ़े, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, फॉरेन ट्रेड, डेमोग्राफिक प्रोफाइल, चारों टॉपिक रीड करो भाई, 1921 बेटा, ये सब मैं अभी लिखाऊंगा, टेंशन ना ले, कई नोट्स का, कई बुक्स का आपको समावेश मिलेगा, सो दैट आप अच्छे से चीजों को एग्जीक्यूट कर सके। अभी बताता हूँ, कॉल कर यार, कॉल बेटा, इतना कवर करना फिर हम लोग आगे करेंगे। हाँ बेटा, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है क्या, एक सेकंड बेटा, दिशिता, एंजेलिना, टॉपिक क्लियर हो गया बेटा, इंडियन इको वाला, करो एक बार रिवाइज, फटाफट करो भाई, टाइम पास मत करो, तुम्हें भी पढ़ने का दिया है, आप लोग भी बच्चों फटाफट रिवाइज कर लो, किसी को कोई डाउट आ रहा है तो प्लीज मुझसे पूछ लें। हाँ ऐसे करके